टू आवर्स का आपके पास टाइम होगा जिसमें से फिफ्टीन मिनट्स पहले आप लोगों के पास रीडिंग टाइम दिया जाएगा अब उस रीडिंग टाइम को आप लोग कैसे यूटिलाइज करोगे तो उस टाइम पर आप लोग सेक्शन बी जिसमें आपके पास चॉइस होती है वो क्वेश्चन आप देखोगे कि आपको उसमें से कौन कौन से करने हैं सिक्स क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आप लोगों को फोर क्वेश्चन करने होते हैं तो उस रीडिंग टाइम में आप वो सेक्शन पढ़ोगे और चूज करोगे कि आपको कौन कौन से फोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो गाइस सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसमें सेक्शन ए जो कि कंपलसरी सेक्शन होता है जिसमें आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होता है जिसमें फिफ्टीन एमसी होंगे तो देखिये फर्स्ट क्वेश्चन लॉस ऑफ वाटर एज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द हाइडाथोड इज कॉल्ड गाइस लॉस ऑफ वाटर हाइडाथोड्स के थ्रू तो क्या कहलाता है गटेशन कहलाता है अच्छा यहाँ पे आप लोगों को गटेशन की डिफाइन भी याद रखनी है क्यों क्योंकि हो सकता है आप लोगों से डिफाइन पूछ ले गटेशन किसके थ्रू होता है वो भी आपको याद रखना है हाइडा के थ्रू होता है इसके अलावा आप लोगों को ट्रांसपेरेशन की डिफाइन भी याद रखनी है ट्रांसपेरेशन की डिफाइन भी इंपॉर्टेंट है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिंथेसिस फेज़ इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मोर डीएनए सिंथेसिस फेज़ जो एस फेज़ होता है सेल साइकिल का उसमें क्या चीज सिंथेसाइज होती है डीएनए सिंथेसाइज होता है याद रखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइल प्लेइंग विद फ्रेंड पीटर इंसर्टेड अ स्टिक इनटू हिज ईयर ही लॉस्ट हिज हियरिंग ड्यू टू द रप्चर ऑफ ईयर ड्रम नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से फुल फॉर्म फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्राइमरी सोर्स क्या होता है तो रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट uh, याद रखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट इज सप्लाइड बाय गैस जो हार्ट है हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है तो दैट इज कोरोनरी आर्टरी क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये एजर्शन देयर इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन समर देन इन विंटर गाइस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है इन समर देन इन विंटर नहीं ये गलत हो गया स्टेटमेंट क्यों क्योंकि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है विंटर्स में तो विंटर्स पहले आएगा और समर बाद में आएगा तो ये गलत हो गया चलिए रीजन देख लेते हैं रीजन क्या बोल रहा है इन समर वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर एज स्वेट सो दैट सो द किडनी री मोर वाटर हैंस यूरिन फॉर्म इज लेस इन समर देन इन विंटर यस गाइस रीजन इज करेक्ट क्योंकि समर में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो उस केस में पानी की कमी हो जाती है बॉडी में तो हमारी किडनी क्या करती है ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेती है दैट्स वाई समर में यूरिनेशन कम होता है और विंटर में यूरिनेशन ज्यादा होता है तो यहाँ पे एजर्शन रॉन्ग है और रीजन सही है तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू कहां है ऑप्शन तो गाइस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द एज रिस्ट्रिक्शन्स फॉर मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बाय लॉ इन इंडिया इस ये तो शायद आप लोगों को सभी को पता होगा ट्वेंटी वन ईयर्स फॉर बॉयज एंड एटीन ईयर फॉर गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग रिक्यूज करना है इस क्वेश्चन में आप लोगों को हैरी इज पॉन्ड ऑफ वॉचिंग द फिश इन द एक्वेरियम सो ही सेटअप एन एक्वेरियम इन इज हाउस अलॉन्ग विद्रेश वॉटर फिश ही ऑल्सो प्लेस अ क्लोन फिश विद सॉल्ट वाटर फिश बोल रहा है कि हैरी को एक्वेरियम का बहुत शौक है फिश देखने का बहुत शौक है तो सोल्ट एक 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 वॉटर फिश होती है ठीक है देन आफ्टर फ्यू आवर्स तो कुछ घंटे बाद जो क्लोन फिश थी देड, वो पाउंड डेड वो डेड मिलियन फ्लोटिंग ऑन वॉटर ऑफ वॉटर के ऊपर क्या कर रही थी फ्लोट कर रही थी अब ऐसा क्यों हुआ अब देखिए क्या रीजन होगा इसका कि जो एक्वेरियम है उसमें जो वाटर है उसने कैसा कैसी फिशेस डाली थी फ्रेश वाटर फिशेस तो दैट मीन्स एक्वेरियम में जो वाटर होगा वो फ्रेश वाटर होगा जिसमें सॉल्ट नहीं होगा बट उसने उसमें एक क्लोन फिश डाल दी जिसमें जो कि सॉल्ट वाटर की फिश है सॉल्ट वाटर की फिश है मतलब वो सॉल्ट वाटर में रह सकती है बट बाहर क्या है फ्रेश वाटर है अब उस केस में क्या होगा कि जो फिश है उसके अंदर वाटर मूव ऑन करेगा ठीक है ना क्योंकि बाहर सॉल्ट नहीं है तो क्या होगा फिश के अंदर वाटर मूव ऑन करेगा और जब फिश के अंदर वाटर मूव ऑन करेगा तो जो फिश होगी वो बहुत ज्यादा स्वेलअप कर जाएगी तो जब वाटर अंदर जा रहा है फिश के तो तो कौन सा ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस हो रहा है है पर तो यहाँ पर होगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द सॉल्वेंट यूज फॉर डिसॉल्विंग क्लोरोफिल वाइल टेस्टिंग अ लीफ फॉर स्टार्च इज जो सॉल्वेंट यूज करा जाता है क्लोरोफिल uh, को टेस्ट करने के लिए क्लोरोफिल uh, को डिसॉल्व करने के लिए स्टार्च टेस्ट में तो दैट इज इथाइल एल्कोहल याद रखेगा वैसे आप लोगों की बुक में मिथाइलेटेड स्पिरिट गिवन है मिथाइलेटेड स्पिरिट ये भी होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट है आप लोगों के में बट जो इथाइल एल्कोहल होता है सी टू एच फाइव ओ एच ये भी यूज करा जाता है क्लोरोफिल को डिजोल्व करने के लिए क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए स्टार्च टेस्ट में याद रखेगा क्लियर है

तो आपको बताना है साइटोसाइन और वाइनाइन के पेयर के कितने सीक्वेंस होंगे तो गाइड टोटल कितने टू हंड्रेड जिसमें से हंड्रेड था और एडीनाइन के हो गए तो बाकी के कितने बचे 100 बचे ऑब्वियसली तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नेक्स्ट द स्ट्रेस हॉर्मोन इन प्लांट पिच फंक्शन ड्यूरिंग अ ड्रॉट इज स्ट्रेस हॉर्मोन इज एप्सिक एसिड याद रखेगा ए बी ए फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है ए बी ए मतलब एप्सिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्रेस नेचुरल गैस यहाँ पे ये भी फुल फॉर्म याद रखिएगा सीएनजी की इस प्रपोज टू बी अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल से अच्छा क्या है यहाँ पर सीएनजी है तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मेक इट अ बेटर ऑल्टरनेटिव इसमें से कौन से रीजन सीएनजी को बेटर ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल की जगह सीएनजी यूज कर सकते हैं तो so, देखिए क्या क्या है कंबर्शन ली लीव लिटिल और नो रेसिड्यू यस ये ऑप्शन सही है क्योंकि जो सी होती है उसमें कंप्लीट कम्बर्शन होता है और कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट आउट नहीं होता है देन एब्सेंस ऑफ कार्बन इन सी नहीं ये गलत है क्योंकि जो सी है दैट इज मीथेन और मीथेन आपको पता है सी कार्बन होता है इजिली अवेलेबल येस सी एन जी अवेलेबल होती है तो यहाँ पर पी एंड आर हमारे सही हो जाएंगे तो ओनली पी एन आर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्राउंड ग्राउंड सब्सटेंस सब्सटेंस प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट का इस में जो ground substance, substance होता है दैट इज स्ट्रोमा अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्टोमा और स्ट्रोमा में कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस जो स्टोमा होता है दैट इज द ओपनिंग ऑफ स्ट्रोमेटा स्ट्रोमेटा की जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं स्टोमा और जो स्ट्रोमा होता है दैट इज द ग्राउंड मैट्रिक्स जो कि क्लोरोप्लास्ट uh, के अंदर प्रेजेंट होता है कलरलेस जो फ्लूड होता है दैट इज स्ट्रोमा जहां पर डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की क्लियर है याद रखेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये का लास्ट क्वेश्चन है लता वॉन्टेड टू क्रॉस द रोड शी लुक ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड एंड देन वॉक अक्रॉस टू अदर साइड ऑफ द रोड ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस गाइस जो लता है वो रोड क्रॉस करना चाहती है और उसने दोनों साइड देखा रोड के तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेस में तो देखिए जब लता रोड क्रॉस कर रही है तो वो दोनों साइड देख रही है ठीक है तो यहाँ पर आपका कंडीशन रिफ्लेक्स हो रहा है अब यहाँ पर आपका जो सैरी ब्रम है ये इन्वॉल्व होगा तो बिल्कुल इन्वॉल्व होगा क्यों क्योंकि जो सैरी ब्रम है उसका एक फंक्शन होता है वॉलेंट्री एक्शन तो ये ऑब्वियसली वॉलेंट्री एक्शन है तो सैरी ब्रम हमारा इन्वॉल्व होगा सैरी बैलम ये सैरी बैलम भी इन्वॉल्व होगा क्यों क्योंकि सैरी बैलम का फंक्शन होता है मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना और हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करना तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी मस्कुलर एक्टिविटी होगी है ना जो लता है वो क्रॉस करिए अगर रोड को तो उसकी मस्कुलर एक्टिविटी भी होगी और बॉडी का बैलेंस भी है तो यहाँ पे सैरी बैलम भी इन्वॉल्व है देन स्केलेटल मसल ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगी क्योंकि वो मूव कर रही है मूवमेंट हो रहा है तो मसल्स तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगी मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा नहीं मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा इन्वॉल्व नहीं होगा क्यों क्योंकि मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा का फंक्शन होता है इनवॉलेंट्री एक्शन यहाँ पे कोई इन्वॉलेंट्री एक्शन तो है नहीं तो यहाँ पे हमारे तीन पार्ट इन्वॉल्व है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हो गया हमारे खत्म हैं क्वेश्चन नंबर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन याद रखिएगा आरबीसीज का नाम होता है इराइथ्रोसाइड्स उसमें कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो दैट इज हीमोग्लोबिन हीमो ग्लोबिन क्योंकि रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट दूटपोर्ट मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम द लीव टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट फूड को जो ट्रांसपोर्ट करता है तो दैट इज फ्लोइम याद रखेगा वॉटर एंड मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में जाइलम एंड फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोइम क्लियर है नाउ द टाइप ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रास्टिंग अलील ज नॉट एक्सप्रेस का जो जीन है, दो है डॉमिनेंट एंड रेसेसिव तो यहां पर बोल रहा है नॉट एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस नहीं करती तो दैट इज रेसेसिव जीन याद रखेगा ठीक है डकट विच कैरी यूरिन फ्रॉम द यूरनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी आउटसाइड कौन से डक्ट कैरी करती है यूरिन को तो दैट इज यूरेथरा कंफ्यूज मत हुईगा यहाँ पर ठीक है अगर बोलता किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी डक्ट लेकर आ रही है तो दैट इज यूरेटर और यहाँ पे बोल रहा है कि यूरिन को कौन बाहर निकालती है तो दैट इज यूरेथ्रा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन द कलेक्टिव टर्म फॉर द प्रोटेक्टिव मेम्रेन ऑफ द ब्रेन तो दैट इज में थ्री मैम्रेन आ जाती हैं आपका ड्यूरा मैटर अरेक्नोइड एंड पिया मैटर याद रखेगा इस चीज को भी और इसका सीक्वेंस भी याद रखेगा जिसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज एंड री राइट द टर्म इन ईच ग्रुप इन द करेक्ट ऑर्डर सो एस टू बी इन दस लॉजिकल सीक्वेंस बिगनिंग विद द टर्म दैट इज अंडरलाइन ओके फर्स्ट है तो ग्रास ग्रा, ग्रा, यहाँ पे ग्रास से स्टार्टिंग होगी क्योंकि हमें अंडरलाइन टर्म से स्टार्ट करना है तो फर्स्ट नंबर ग्रास देन ग्रास को कौन खाएगा ग्रास ऑपर देन फ्रॉग एंड देन लास्ट में स्नेक तो ये आपकी फूड चेन हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन पिन्ना ईयर पिन्ना फर्स्ट आ जाएगा देन मैलियस आ जाएगा देन इंकस होता है तो इंकस यहाँ पे है नहीं स्टेप्स है तो थर्ड नंबर स्टेप्स एंड देन कॉकलिया क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटिलेट से स्टार्टिंग होगी प्लेटलेट से देन थ्रोम्बिन बना थ्रोम्बिन से बना थ्रामबिन एंड लास्ट में बनता है सॉरी थ्रोम्बिन uh, से बना फिब्रिन फेबरिन एंड देन बनता है फिब्रिन ठीक है जो कि क्लॉटिंग करता है नेक्स्ट हो जाएगा आपका एपिडर्मिस एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स देन एंडोडर्मिस एंड लास्ट में जो वाटर है वो कहाँ जाता है जाइलम में जाता है लास्ट क्वेश्चन गाइस आई थिंक लास्ट वाले में कुछ गड़बड़ है एम्ब्रियो से स्टार्टिंग नहीं होगी यहाँ पर यहाँ पे स्टार्टिंग होगी से तो फर्स्ट नंबर आपका होगा पे अंडरलाइन गलत गेविन है बनता है बनता मोर्यूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है देन जाकर एम्ब्रियो बनता है थर्ड नंबर पे एंड देन लास्ट में फीटस होगा क्लियर है तो ये हो गया आपके प्रॉपर सीक्वेंस जब आप सीक्वेंस करें तो पूरा पूरा आपको तो वर्ड्स लिखने हैं तो करेक्ट ऑर्डर में लगाइएगा और चेक कर लीजिएगा कि कोई भी वर्ड बीच में मिस ना हो जाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं तो आप काउंट कर लीजिएगा कि कितने वर्ड्स हैं और आपने सारे वर्ड्स लिखे हैं या फिर नहीं लिखे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स द टेक्निकल टर्म फॉर शॉर्ट साइडेडनेस इज गाइस शॉर्ट साइटेडनेस के लिए जो टेक्निकल टर्म होता है दैट इज मायोपिया दिस डिफेक्ट इज कॉज बिकॉज द आई बॉल इज इस जो आई बॉल होती है इसमें वो लेंथइन हो जाती है तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ लेंथहन और लेंस इज टू कर्व्ड जो लेंस होता है वो बहुत ज्यादा कर्व्ड हो जाता है तो दो रीजन होते हैं मायोपिया के या तो जो आई बॉल है उसकी लेंथ बढ़ जाती है फ्रॉम फ्रंट टू बैक या फिर जो लेंस होता है वो बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है इट कैन बी करेक्ट बाई यूजिंग अटेबल लेंस कौन सा लेंस यहाँ पे यूज करा जाता है इसको करेक्ट करने के लिए तो दैट इज कॉनकेव लेंस याद रखेगा जो माओपिया है वो करेक्ट होता है कॉनकेव से और जो हाई पैरोपिया है वो करेक्ट करेक्ट होता है कॉन्वेक्स से देन लास्ट द पावर ऑफ द लेंस इज मैंशन इज कैस यहाँ पर जो पावर होती है माओपिया की वो मैंशन होती है माइनस में तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मायोपिया होगा ऑफिसली जो मायोपिया होता है वो कम एज पर ही होता है जिसमें दूर की चीजें ब्लर दिखाई देती हैं और पास की चीजें प्रॉपर दिखाई देती हैं तो आप लोगों का जो नंबर होगा वो माइनस में होगा होता है ना माइनस का वन माइनस का टू तो यहाँ पर जो पावर होती है लेंस की वो किस में होती है माइनस में होती है क्लियर है और जो हाई पेरोपिया होता है उसमें पावर कैसी होती है प्लस में होती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑड वन आउट फ्रॉम दर्म्स एंड नेम दैटेगरी टू विच दिल ऑड निकालना है और बाकी के जो बचे हुए हैं उसकी कैटेगरी आपको बतानी है तो फर्स्ट है न्यूज पेपर वेजिटेबल पील्स देन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एनिमल एक्सक्रीटर तो गाइस यहाँ पे जो ऑड वन आउट होगा वो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा क्योंकि जो बाकी सारे हैं टर्म्स वो रिलेटेड है किससे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो बाकी के जो है उसके लिए आप रीजन लिखोगे पहले तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक बल्ब आपका ऑड वन आउट हो गया अब आपको कैटेगरी बतानी है कि जिसमें बाकी सारे आ रहे हैं तो दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ठीक है तो बाकी सारे हो गए आपके बायो डिग्रेडेबल वेस्ट चलिए नेक्स्ट आपका ऑड वन आउट हो जाएगा रीनल आर्टरी क्योंकि जो बाकी सब है दैट आर पार्ट ऑफ द किडनी ये सब क्या हो जाएंगे पार्ट ऑफ किडनी ठीक है नेक्स्ट यूरोक्रोम यूरिया करैटीन एंड यूरिक एसिड तो गाइज यहां पर हो जाएगा आपका ऑड वन आउट करैटीन क्योंकि बाकी जो सारे हैं वो है यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट बट जो करैटीन है वो अलग हो गया क्लियर है देन ओवल विंडो कॉकलिया ऑडिटरी किनाल एंड राउंड विंडो तो यहाँ पे आपका ऑड वन आउट हो जाएगा ऑडिटरी किनाल क्योंकि जो बाकी सारे हैं दैट आर द दार्ट ऑफ इनर ईयर कौन से पार्ट हैं किसके पार्ट हैं सारे ये इनर ईयर के हैं सब इनर ईयर में आ जाते हैं क्लियर है देन ए डी एच टी एस एच ए सी टी एच एंड एन ए डी पी गाइस एक तो यहाँ पे आपको इन सब की फुल फॉर्म याद रखनी है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो इसमें आपका ऑड वन आउट हो जाएगा एन ए डी पी क्योंकि जो बाकी सारे हैं वो हॉर्मोन्स हैं बाकी सब क्या है हॉर्मोन्स हैं जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग फर्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड गाइस स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड का हो जाएगा यहाँ पे न्यूरॉन्स क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी किससे बनी है न्यूरॉन ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स याद न्यूरो अच्छा न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत होइएगा जो न्यूरॉन है दैट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम एंड जो नेफ्रॉन है दैट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बहुत सारे बच्चे इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा नेट इज एड्रीनल मेड्यूला गाइस एड्रीनल मेड्यूला से हॉर्मोन रिलीज होता है वो कितने नंबर होते हैं फोर्टी फोर ठीक है ना जो स्टार्टिंग के ट्वेंटी टू पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं दैट आर नोन एज ऑटोजोम सो ट्वेंटी टू पेयर्स मतलब कितना नंबर हो गया फोर्टी फोर हो गया देन किडनी तो किडनी आपका हो जाएगा नैफ्रॉन क्योंकि किडनी किससे बनी है नेफ्रॉन से बनी है एड्रीनल अगेन बहुत सारे हॉर्मोन रिलीज होते हैं तो उसमें कौन सा हॉर्मोन आ जाएगा कॉडिसोन आ जाएगा क्लियर है तो ये होगी आपकी मैथ्स ऑफ फॉलोइंगे तो खत्म हो गया आप लोगों का सेक्शन ए कई आज की वीडियो में हम सेक्शन ए ही डिस्कस करते हैं सेक्शन बी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो जितने जैसे क्वेश्चन आप लोगों को बताए उसको याद रखिएगा जो जो चीजें बताई है उन्हें याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन वही आता है थोड़ा घुमा के दे देते हैं आप जैसे कि मायोपिया वाला क्वेश्चन आया तो हो सकता है मायोपिया की जगह आपको हाई पैरोपिया का क्वेश्चन दे हैं तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है डायग्राम्स बहुत अच्छे से करके जाने हैं डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो माइटोसिस के फेसिस के डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आएंगे ही आएंगे साथ में डायग्राम ड्रॉ करने को आता है स्पर्म सेल का डायग्राम बहुत बार आ चुका है स्पर्म सेल का डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और लेबलिंग कर लीजिएगा डायग्राम की क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेक्शन बी में आप लोगों के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने ही आने हैं हर क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम बेस्ड का क्वेश्चन दिखाई देगा तो वो वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं तो लेबलिंग अच्छे से कर लीजिएगा क्लियर है तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय